हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स में हम स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक का जो टॉपिक है उसको खत्म करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स के प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स के अंदर हम कई टॉपिक कवर करेंगे, जैसे स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक एक लेंथी टॉपिक था, उसी तरह से जो प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स है ये भी काफ़ी लेंथी टॉपिक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर टॉपिक के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, मैटर का कोई इशू नहीं है, जो इसका मटेरियल है या जो नोट्स हैं या जो भी आपका रीडेबल मटेरियल है वो आपको किसी भी बुक से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी आप डिप्लोमा या डिग्री लेवल की बुक इसके लिए रेफर कर सकते हैं। तो जो टैबलेट का टॉपिक है, थोड़ा सा जैसे ओवरव्यू हम हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेते हैं कि हम उस टॉपिक में क्या क्या आज स्टडी करेंगे, आज नहीं मतलब आने वाले सभी लेक्चर्स में क्या स्टडी करेंगे। तो इसमें हम स्टडी करेंगे, जैसे आज के लेक्चर में तो हम जस्ट पहले थोड़ा सा जनरल व्यू जो है हम देखेंगे कि टैबलेट्स क्या होती हैं, डेफिनेशन, जो टैबलेट की प्रॉपर एक डेफिनेशन अगर आपके पास एक या दो नंबर में आ जाती है कि टैबलेट डिफाइंड टैबलेट्स, तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी होगी कि सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म, तो इसकी हम टैबलेट की डेफिनेशन, इनके टैबलेट की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितनी तरह के टैबलेट्स हैं, टाइप ऑफ टैबलेट्स, शेप्स ऑफ टैबलेट्स, देन उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे हमारे कि फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स। दो पॉइंट्स हैं, फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब कि एक टैबलेट को बनाने के लिए उसमें हमने क्या एडिटिव्स, क्या डाइल्यूएंट्स, एडिटिव्स या डाइल्यूएंट्स होते हैं कि जो, जैसे आप कभी भी कोई टैबलेट का एक कोई भी सिंपल एक डिस्प्रिन या पैरासिटामोल की टैबलेट आप उठा लीजिए, कॉम्बिफ्लेम उठा लीजिए, आप उसके जब लेबलिंग देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ पैरासिटामोल मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। किसी का बाइंडिंग का काम होता है, किसी का फ्लुएंसी इंप्रूव करने का काम होता है, किसी का स्टेबिलिटी इंप्रूव करने का काम होता है, तो उनको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशंस या एडिटिव्स। तो वो भी हम एक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि टैबलेट के एडिटिव्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से मैथड्स हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स को बनाने के लिए, और जो टैबलेट की जो पंचिंग मशीन्स हैं वो स्टडी करेंगे। उसके बाद टैबलेट्स को बनाते टाइम किस तरह के डिफेक्ट्स, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टैबलेट्स की हम इवेल्युएशन कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, और लास्ट में जो हम स्टडी करेंगे कि जो कोटिंग टैबलेट्स की होती है, जैसे कुछ आपने मार्केट में देखी होंगी, जैसे ग्रुपिन की टैबलेट है जो पिंक कलर की होती है, या शुगर कोटेड बहुत सारे टैबलेट्स हैं, कि क्यों उसमें कोटिंग की टैबलेट कोटिंग की जाती है, क्या पर्पज़ है कोटिंग का, एंड माइक्रो इनकैप्सुलेशन जिसमें छोटे टैबलेट्स टैबलेट्स की ही एक फॉर्म है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, करीब करीब इसके वही 8 से 10 लेक्चर्स डिलीवर होंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोई भी लेक्चर इसमें मिस मत करना, क्योंकि सभी लेक्चर एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। अगर आपको स्टार्टिंग से यही नहीं पता होगा कि लोजेंजेस क्या है, लेयर टैबलेट्स क्या है, तो आगे उनकी प्रोसेसिंग, उनके मैन्युफैक्चरिंग को समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द जनरल टॉपिक अबाउट द टैबलेट। व्हाट इज द टैबलेट? सबसे पहले अगर हम टैबलेट की डेफिनेशन को डिफाइन करें, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम टैबलेट के बारे में क्या जानते हैं कि टैबलेट्स आर द सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म्स। सॉलिड है और ओरल डोसेज फॉर्म्स हैं, लेकिन अब आप इसको सिर्फ ओरल डोसेज फॉर्म नहीं बोल सकते, कुछ सोल्युबल टैबलेट्स भी आती हैं जो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होते हैं, जिनको डिजोल्व करके हम एज अ इंजेक्शन भी यूज करते हैं, लेकिन इसकी जनरल डेफिनेशन में हम सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म्स। और क्या पता है आपके, आपको टैबलेट के बारे में, अवेलेबल इन सिंगल और यूनिट डोज, सिंगल और यूनिट डोज होती है टैबलेट की, कि अगर आपने कॉम्बिफ्लेम की टैबलेट लेनी है तो आप एक सिंगल टैबलेट ले लोगे, चाहे टैबलेट्स की 10 की पैकिंग है, 20 की पैकिंग है, चाहे ब्लिस्टर पैकिंग है, चाहे एल्युमिनियम फॉइल पैकिंग है, चाहे किसी बॉक्स में है तो सारे सिंगल डोज यूनिट ना, सिंगल डोज यूनिट, सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म।
सिंगल डोज यूनिट या सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेस्ड प्रिपेयर्ड बाय टैबलेट को प्रिपेयर करने के कंप्रेस्ड और मोल्डिंग दो मेथड्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कंप्रेस्ड एंड मोल्डिंग मेथड अवेलेबल इन डिफरेंट साइज शेप्स एंड कलर। और भी कुछ जोड़ना चाहोगे टैबलेट की डेफिनेशन में? आई थिंक ये टैबलेट की जो डेफिनेशन है वो एक क्लियर डेफिनेशन है कि टैबलेट, सब अगर आपको टैबलेट की डेफिनेशन आ जाए दो नंबर में तो आप इसको इजिली डिफाइन कर सकते हो, आप इसको टोटल कंबाइन कर दो कि टैबलेट्स में भी डिफाइंड एज द सॉलिड फार्मास्यूटिकल, वर्ड लगाना इसमें सॉलिड फार्मास्यूटिकल ओरल डोसेज फॉर्म्स विच आर अवेलेबल एज सिंगल और यूनिट डोज प्रिपेयर्ड आइदर बाय कंप्रेस्ड मेथड और मोल्डिंग मेथड विच इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज शेप एंड कलर्स। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द टैबलेट। अब इसमें जो टॉपिक है डिस्कस करने वाला कि जो टैबलेट हैं, टैबलेट्स की क्या एडवांटेजेस हैं ओवर अदर डोसेज फॉर्म्स, जो दूसरी डोसेज फॉर्म है, जैसे टैबलेट को हमने क्लासिफाई किया सॉलिड डोसेज फॉर्म में। अब अगर हम इसको लिक्विड या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म से क्लासिफाई करते कंपेयर करते हैं तो इसके क्या एडवांटेज है, एक एक एडवांटेज निकालते जाओ। सबसे पहले तो है इजी टू टेक आप बोल सकते हो, या सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है कि अगर पेशेंट को पता है, नॉर्मल पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पे पीसीएम की टैबलेट लेनी है या क्रोसिन की टैबलेट लेनी है तो आई कैन टेक इट। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। दूसरा, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ यूनिट डोज, तो यूनिट डोज के फॉर्म में अवेलेबल है तो इसके केस में क्या होगा, एरर के चांसेस मिनिमम होंगे। जैसे जो लिक्विड है, लिक्विड के केस में तो हम 5 ml अगर हमें मेडिसिन लेनी है तो हो सकता है हम 5 की जगह 4 ml ले लें, 4 की जगह हम 6 ml ले लें, लेकिन इसके केस में सिंगल यूनिट डोज है, मुझे पता है कि एक सिंगल टैबलेट लेनी है तो यूनिट डोज है, तो इसमें डोज के केसेस में एरर के जो चांसेस हैं वो मिनिमम होंगे। ठीक है, तीसरा है अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स साइज एंड कलर्स, डिफरेंट शेप साइज एंड कलर। अब आप बोलोगे कि ये इसमें क्या एडवांटेज है इसकी कि डिफरेंट शेप साइज और कलर है। सबसे बड़ी बात है कि देखो, कोई भी अगर हम मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, मार्केट से जो प्रोडक्ट लेना है ये हम इनको बोलते हैं ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि कोई भी मटेरियल, हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, कोई भी मटेरियल जिसको हमें देखना है, जैसे सपोज आप कोई क्रूड ड्रग देख लो, कोई आप मेडिकेटेड प्रिपरेशन देख लो, कोई आप पैकिंग देख लो, अगर वो देखने में अच्छी होगी, अगर वो देखने में अट्रैक्टिव होगी तो ऑब्वियसली उसकी परचेजिंग भी बेटर होगी, उसकी सेल भी बेटर होगी। तो इसी तरह से जो टैबलेट है वो डिफरेंट शेप साइज और कलर्स में भी अवेलेबल है, और साइज का तो ये है कि डोज के हिसाब से भी अवेलेबल है। 40 mg की टैबलेट, 80 mg की टैबलेट, 250 mg की टैबलेट, 500 mg की टैबलेट, तो ये इसका मेन बेनिफिट है। नेक्स्ट है इजी टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करना इसको इजी है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना इजी है, क्योंकि जो टैबलेट्स की जनरली पैकिंग होती है ब्लिस्टर पैकिंग, एल्युमिनियम फॉइल पैकिंग, तो ब्रेकेज के चांसेस बहुत कम है, जबकि अगर हमने किसी लिक्विड को कैरी ऑन करना है या सेमी सॉलिड को तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और इनका वॉल्यूम भी कम है, इसलिए ट्रांसपोर्ट के खर्चे या ट्रांसपोर्ट को कैरी करना भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल का मतलब यही कि इजी मतलब चीप, कंपैरेटिवली बाकी मेडिसिन से चीप है। इसी तरह से आप टैबलेट्स के और भी जनरल
फायदे जो हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? इसका जो एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर तो अनकॉन्शियस पर्सन है, अनकॉन्शियस मतलब जो पर्सन बेहोश है, तो उसके लिए टैबलेट नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके स्वेलिंग में दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये चिल्ड्रन के केस में, छोटे बच्चों को आप देखो कि छोटे बच्चों में जितनी भी प्रिपरेशंस आती है, मेडिकेटेड प्रिपरेशंस, वो लिक्विड फॉर्म में आती है। तो चिल्ड्रन के केस में चिल्ड्रन को टैबलेट को लेना बड़ा टफ है, उनको स्वेलो करना बड़ा टफ है। तो ये दो मेन केसेस है जो टैबलेट के डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में एक पॉइंट और भी इसमें नोट कर सकते हो, इसमें जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि टैबलेट्स की जो स्टेबिलिटी है या जो इसकी फ्रेजिलिटी है या थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के कंपैरेटिव में ये थोड़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल होती है। इसलिए जो सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में मार्केट में आप देखोगे कि मोस्टली जो प्रिपरेशंस हैं वो टैबलेट्स के फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो ये हो गए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके अलावा और भी आप बहुत से पॉइंट्स इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद है टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। अब टैबलेट्स के हम टाइप्स पढ़ेंगे एक एक करके कि टैबलेट जो है किस तरह की होती है। सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें ओरल टैबलेट। ओरल टैबलेट में जैसे आप एग्जाम्पल किसका ले सकते हो, ओरल टैबलेट में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपना डिस्प्रिन का या पैरासिटामोल का, क्रोसिन का, सारे के सारे टैबलेट्स ही ओरल हैं। ओरल टैबलेट वही टैबलेट है विच आर टेकन और विच आर कंज्यूम्ड विद द हेल्प ऑफ एनी फ्लूइड और द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज द ओरल टैबलेट। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी फ्लूइड के साथ, बहुत सारी जो टैबलेट्स हैं माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स भी होती हैं। माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट वो होती हैं जो शुगरी टेस्ट होता है, जिसका स्वीट टेस्ट होता है, जैसे इटियोजोलैम की टैबलेट है, डायजीपाम की टैबलेट है, तो वो जैसे वो है माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट जैसे नाम से ही क्लियर है, च्यू जिसको चबाकर खाना है। ये जो च्यूएबल टैबलेट, आप सोचो किस चीज के लिए होंगे? ये च्यूएबल टैबलेट को बनाने का मेनली पर्पस है सिर्फ किड्स के लिए, कि जो किड्स टैबलेट्स को स्वेलो करना जिनको डिफिकल्ट लगता है या ओल्ड एज पीपल है, तो वो इस टैबलेट को च्यू करके यूज कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द च्यूएबल टैबलेट्स। थर्ड वन इज द बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट। अब ये है जो बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, जो बक्कल कैविटी मतलब टंग के नीचे जिन टैबलेट्स को हम रखते हैं उनको हम बोलते हैं बक्कल टैबलेट्स और सबलिंगुअल टैबलेट्स। ये इनका टैबलेट्स का क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो हम टंग के नीचे रखते हैं इनको हम जैसे माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स भी बोल देते हैं, जिनकी मैं पहले बात कर रही थी। इनका जो जनरली डिजॉल्व होने का टाइम है दैट इज 15 to 30 minutes है। 15 to 30 minutes तक अगर आप इसको टंग के नीचे बक्कल कैविटी के नीचे रखोगे तो ये टैबलेट अपने आप ओरल सलाइवा के साथ मिक्स होकर डिजोल्व हो जाएगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। जो बक्कल टैबलेट का मेनली जो एग्जांपल है वो है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। दिस इज द नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती है, जो आती है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। एंजाइना पेक्टोरिस आपको ध्यान हो कि हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था हार्ट के चैप्टर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वहाँ एक एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन थी, उसके लिए नाइट्रो ग्लिसरीन की जो टैबलेट्स हैं वो बक्कल या सबलिंगुअल टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास लोजेंजिस। लोजेंजिस में अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ तो उससे आप लोजेंजिस को आप बड़े इजिली आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि लोजेंजिस क्या है। विक्स की जो टैबलेट है या हॉल्स या स्टेपसेल्स, दे ऑल आर द लोजेंजिस। अब उससे डिफाइन करो कि लोजेंजिस क्या है। लोजेंजिस आर द शुगरी और स्वीट इन द नेचर हैविंग द डिफरेंट फ्लेवर्स। और मेनली हम लोजेंजिस को किस लिए यूज करते हैं? लोजेंजिस को हम यूज करते हैं किसी भी तरह की कोई थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, या इवन जो हमारे गले के अंदर कई बार सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोजेंजिस को यूज करते हैं। जैसे अब तो बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, पहले तो जैसे ट्रायंगल शेप की विक्स अवेलेबल होती थी, लेकिन अब तो जैसे विक्स भी जिंजर टेस्ट में, मिंट टेस्ट में, या स्टेपसिल्स हैं या हॉर्न्स हैं, ये सारे के सारे लोजेंजिस के एग्जाम्पल हैं। लोजेंजिस का जनरली जो डिजॉल्व होने का टाइम होता है दैट इज अबाउट द 30 मिनट्स।
इसका इसको भी किसी लिक्विड के साथ या वाटर के साथ कंज्यूम नहीं किया जाता, इसको भी जैसे सिंपल एक आप टॉफी या कैंडी यूज करते हैं उसी तरह से यूज करते हैं, ताकि इसका धीरे धीरे इसमें से ड्रग रिलीज होती रहे और वो अपना इफेक्ट शो करती रहे। नेक्स्ट वन इज द डेंटल कोन्स। डेंटल कोन्स क्या होते हैं? देखो कुछ चीजों के ना नाम से क्लियर है, डेंटल कोन्स मतलब कहीं ना कहीं डेंटल्स में यूज होता होगा। एक्चुअली जब किसी टीथ के अंदर टूथ के अंदर कभी इन्फेक्शन हो जाती है तो उस टूथ को हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद ऑब्वियसली वहां सॉकेट बन जाएगा, तो उस सॉकेट के अंदर वो जो डेंटल कोन टैबलेट है, कोन मतलब उसको कॉनिकल शेप में ही बनाना पड़ेगा, वो डेंटल कोन की जो टैबलेट्स है उस टूथ सॉकेट के अंदर फिल कर दी जाती है, क्योंकि खाली कैविटी होगी। अगर हम फूड खाएंगे, फूड खाने के बाद अगर कैविटी होगी तो ऑब्वियसली कैविटी के अंदर फूड जाएगा ही जाएगा, उसके कारण बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, उसके कारण स्मेल भी होगी माउथ में, उसके कारण इन्फेक्शन भी होगी। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए कुछ एंटीबैक्टीरियल जो टैबलेट्स होती हैं वो जिनको हम बोलते हैं डेंटल कोन टैबलेट्स, ये डेंटल कोन टैबलेट्स यूज की जाती हैं। इन डेंटल कोन टैबलेट्स का जो टाइमिंग है दैट इज अबाउट द 20 to 30 minutes टू डिजोल्व। इसके बाद नेक्स्ट है विजाइनर टैबलेट्स। विजाइनर टैबलेट्स नाम से क्लियर है कि विजाइनर इन्फेक्शन के लिए जिसे कोट्राइमोक्सोल की टैबलेट्स हैं उनको हम विजाइनल पेस्टिरिस भी बोल देते हैं। विजाइना में जो इन्फेक्शन हो जाती है एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी पर्पस के लिए जो टैबलेट्स हम यूज करते हैं दीज आर कॉल्ड एज द विजाइनल टैबलेट्स। ये जो विजाइनल टैबलेट्स हैं इनके एक पर्टिकुलर शेप है और इनको यूज करने के लिए स्पेशली कोई एक इंसर्टर भी प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड वन इज द एफर्वेसेंट टैबलेट्स। एफर्वेसेंट टैबलेट्स हैं जैसे सबसे पहले फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर हमने एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स का भी एक टॉपिक पढ़ा था, उसी तरह से एफर्वेसेंट टैबलेट है। एफर्वेसेंट टैबलेट की आपने टीवी में एड भी देखी होगी, जैसे डिस्प्रीन की टैबलेट है उसमें आपने देखा होगा कि जो डिस्प्रीन है ये 15 मिनट के अंदर ही जस्ट बड़ी जल्दी इफेक्ट शो करती है। आप कभी देखना कि जो डिस्प्रीन की टैबलेट है आप उसको अगर सिंपल वाटर के अंदर डाल के एकदम से कंज्यूम करोगे उसमें कुछ एफर्वेसेंस कुछ झाग उठेगी और उसके बाद वो बहुत जल्दी इफेक्टिव होगी। उसका रीजन क्या है कि जो एफर्वेसेंट टैबलेट्स होती हैं एफर्वेसेंट टैबलेट्स के अंदर मेनली इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर सिट्रिक एसिड प्लस टार्ट्रिक एसिड प्लस एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो जब ये सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड और ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जब और प्लस इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट होता है दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 ठीक है। तो जब ये एफर्वेसेंट टैबलेट्स को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इसके जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में या छोटे दानेदार की फॉर्म में हम इसको जब कंज्यूम करते हैं तो इसका इफेक्ट बड़े ही फास्टली आता है। नेक्स्ट है जो लेयर्ड और कोर टैबलेट्स। अब जो लेयर्ड और कोर टैबलेट्स हैं इन दोनों ही टैबलेट्स का की शेप अलग अलग है। लेयर टैबलेट की तो अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो लेयर टैबलेट कुछ इस तरह से होगी, जैसे ये एक सिंगल आपकी टैबलेट है इस तरह से, तो ये एक लेयर इसमें आपकी है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की और दूसरी लेयर आपकी है इसमें दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट की, ये है दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट की। और जो इसके बीच में एक जो ये सिंगल मैंने लाइन खींची है सेपरेशन के लिए इट इज ऑफ द सिलिका जेल। अब समझ में आया लेयर टैबलेट्स क्या होगी। लेयर टैबलेट्स एक्चुअली होती हैं कि अगर हमारे पास दो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सपोज दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनकंपैटिबल है। इनकंपैटिबल वर्ड का क्या मतलब है, व्हाट इज द इनकंपैटिबल, इनकंपैटिबल एक तो होता है कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब है कि जब हम किसी दो चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे की एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करते, एक दूसरे की एक्टिविटी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन इनकंपैटिबल वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हमारी बॉडी में कुछ एडवर्स इफेक्ट
भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमें किसी केस में दो इनकम्पैटिबल मटेरियल की सिंगल टैबलेट बनानी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक लेयर हमने एक मटेरियल की बनाई, दूसरी लेयर हमने दूसरे मटेरियल की बनाई और उन दोनों लेयर्स को हमने सेपरेट कर दिया एक सिंगल लेयर से। वो जो सिंगल लेयर होगी वो होगी सिलिका जेल की लेयर। सिलिका की स्पेलिंग हमें यहाँ गलत लिखते हैं, डबल एल आएगा, सिलिका जेल, ठीक है। तो वो लेयर होगी हमारी सिलिका जेल से, वो होगी सिलिका जेल से सेपरेट होगी। अब ये होती है हमारी लेयर टैबलेट। अब दूसरी है कोर टैबलेट। कोर टैबलेट का भी यही पर्पज है, जो कोर टैबलेट है कोर टैबलेट भी इन दो इनकम्पैटिबल मटेरियल को सेपरेट आउट करने के लिए ही बनाई जाती हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि एक टैबलेट का एक सबसे पहले एक सिंगल टैबलेट को हमने कंप्रेस किया, उसके बाद हमने दूसरी एक और टैबलेट को इसके बाहर कंप्रेस किया, ये हमारी दूसरी टैबलेट है इस तरह से। अब ये कोर टैबलेट बनाने का पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका पर्पस ये है कि हम ये चाहते हैं, जैसे रेड वाला पोर्शन है, सपोज रेड वाले पोर्शन को मैंने नाम दे दिया टैबलेट ए और ब्लैक वाले पोर्शन को मैंने नाम दे दिया टैबलेट बी। हमें पता है कि जब हम कोई टैबलेट लेते हैं तो सबसे पहले वो जाके स्टमक के अंदर डिजोल्व होती है और स्टमक में डिजोल्व होने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। हम चाहते हैं कि जो ऊपर ए पोर्शन है वो तो स्टमक में जाकर इफेक्ट करे और जो बी पोर्शन है वो हमारा इंटेस्टाइन में जाके इफेक्ट करे। तो इस टाइप की मटेरियल जब ऐसी हमें टैबलेट्स बनानी होती है तो डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट की, मतलब उनका डिजोल्विंग टाइम डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि स्टमक में 2 से 3 आवर्स के बाद ही वो आखिर इंटेस्टाइन में पास होंगे। तो उस केस में हम कोर टैबलेट्स डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंटेरिकोटिक टैबलेट। एंटेरिकोटिक टैबलेट के बारे में तो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि जनरली टैबलेट्स जब हम लेते हैं तो वो स्टमक के अंदर जाकर डिजोल्व होती है, लेकिन कई बार कुछ टैबलेट्स का इफेक्ट हमें ऐसे चाहिए होते हैं कि वो बेसिक पीएच कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में, कि इंटेस्टाइन के अंदर जाकर अपना इफेक्ट शो करे, तो इसलिए उनके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। ये अब इंटेरिक कोटिंग होती क्या है ये हम आगे जब टैबलेट की कोटिंग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं ताकि स्टमक के अंदर सिर्फ उस टैबलेट की कोटिंग के ऊपर ही इफेक्ट पड़े, टैबलेट के इंग्रेडिएंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और जब वो टैबलेट हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी तो वहीं बेसिक पीएच के अंदर वो टैबलेट डिजोल्व हो। और लास्ट है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। जो इंटीरियर कोटेड टैबलेट्स है वो कुछ एक हम ये भी कह सकते हैं कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स का भी पार्ट है, लेकिन जो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं सस्टेन्ड मतलब जो प्रोलॉन्ग इफेक्ट शो करती हैं बहुत लंबे टाइम तक। जैसे एक तो होता है कि जैसे टैबलेट हम रूटीन में 8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद लेते हैं, लेकिन कुछ ही टैबलेट्स ऐसी होती हैं जैसे उनको लेने के बाद जैसे उनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है कि वो टैबलेट हमें 1 हफ्ते के बाद लेनी है या 15 डेज के बाद लेनी है या 1 मंथ के बाद लेनी है। जिनका लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट चलता रहे उनको हम बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का है, जैसे फ्लुकोनाजोल की जो टैबलेट है बहुत कॉमन यूज होती है, फ्लुकोनाजोल जो एक एंटी फंगल टैबलेट है। इसकी 1 वीक के अंदर एक सिंगल डोज है, इसका मतलब कि अगर 1 वीक में आपने ये टैबलेट ली तो वो 1 वीक तक अपना इफेक्ट शो करती रहेगी। इसी तरह से बहुत सारी टैबलेट्स है जो एक इम्प्लांट्स होते हैं, स्किन इम्प्लांट्स होते हैं जो हम स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है, डर्मिस लेयर के नीचे हम कट करके उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो 2-3 मंथ्स और इवन ईयर्स तक अपना इफेक्ट शो करती रहती हैं। तो ये थे हमारी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स और भी हैं, हो सकता है इसमें छूट गई हूँ, लेकिन मैंने इसके अंदर जो मेन जो टैबलेट्स के टाइप्स हैं वो सारी कवर कर दी हैं। बाकी हमने इसको फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें टैबलेट्स को डिटेल में पढ़ाया था। हमारा पर्पस एक्चुअली यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैबलेट को डिस्कस करना नहीं है, हमारा पर्पस यहाँ है प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, टैबलेट बनाते कैसे हैं, डिफेक्ट्स क्या हैं, फॉर्मुलेशन क्या है, उसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये तो एक जनरल टॉपिक था डिस्कशन का, ताकि इसमें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता लगे कि एक्चुअली टैबलेट्स होती क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ फॉर्मुलेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट
के साथ कंटिन्यू करेंगे।